आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए आज कुछ खास। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। एमा वॉटसन और डैन स्टीवंस के पास बेले और प्रिंस एडम की प्रेम कहानी को फिर से बनाना था। उनके पास बहुत कुछ ऐसा था और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि एक जादुई स्पर्श जैसी फिल्म बन गई। आइए देखते हैं क्या है इस फिल्म में खास। इस कहानी की शुरुआत एक राजमहल से होती है, जहां का प्रिंस अपने महल को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है और अक्सर वहां पार्टी करता रहता है। एक रात वहां बहुत भयानक तूफान आता है और सब लोग डर जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत तूफान से बचने के लिए राजमहल में आती है और राजकुमार के सम्मान में उसे गुलाब का एक फूल देती है। तब राजकुमार उस पर हंसता है और बेइज्जती करते हुए उसका फूल जमीन पर गिरा देता है। उस बूढ़ी औरत के शक्ल सूरत का मजाक उड़ाता है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि खूबसूरती चेहरे पर नहीं, दिल से होती है, लेकिन राजकुमार उसकी हर बात का मजाक उड़ाता है। तभी अचानक बूढ़ी औरत एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की में बदल जाती है। दरअसल वो एक जादूगरनी होती है जो प्रिंस को परखने के लिए वहां आई थी और उसे पता चल चुका था कि राजकुमार के दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद वो जादूगरनी प्रिंस को अपने जादू से एक बदसूरत बीस्ट में बदल देती है और उसके सभी साथियों को सामानों में तब्दील कर देती है। प्रिंस गिड़गिड़ाता है मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। जो फूल जादूगरनी ने राजकुमार को दिया था वो कोई आम फूल नहीं था, बल्कि एक जादुई फूल था। उसका मतलब ये था कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर राजकुमार को किसी से प्यार हो गया तो वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, वरना सारी जिंदगी एक बीस्ट बनकर गुजारनी होगी। कई वर्षों तक राजकुमार एक बीस्ट की जिंदगी गुजारता है और कोई उसके आसपास भी नहीं आता। फिर बेल नाम की एक लड़की उस किंगडम में आती है। वो बहुत खूबसूरत दिखती है। उसको पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है। उसे कहानियां पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। वहां रहने वाला एक गैस्टन नाम का लड़का बेल को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बेल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो बेहद घमंडी इंसान है। एक रात बेल के फादर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने रास्ते में आग लगी होती है। वो घबरा जाते हैं और रास्ते से मुड़ जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें भेड़ियों की आवाजें आती हैं। उनसे बचते हुए वो एक राजमहल में पहुंचते हैं। ये महल उसी बीस्ट का होता है जो अब खंडहर जैसा हो गया है। ऐसा लगता है कई वर्षों से वहां कोई रहता ही नहीं है। वहां पर जल रहे कैंडल्स, जूठे बर्तन, खाने की टेबल को देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी जरूर कोई न कोई तो यहाँ रहता है। वहां पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना देखकर बेल के फादर उसे खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ बर्तन उनसे बातें करने लगता है। बेल के फादर सोचते हैं कि शायद ये कोई बुरी आत्मा होगी जो उसे डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उससे कहते हैं उन्हें किसी से डर नहीं लगता। फिर वहां से भाग जाते हैं। भागकर बेल के फादर राजमहल के बगीचे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत ही खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं। तभी उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आता है कि उसने अपने लिए कुछ फूल मंगवाए थे, इसलिए वहां से एक सुंदर सा फूल तोड़ लेते हैं। तभी वहां पर बीस्ट पहुंच जाता है और फूल तोड़ने की सजा देते हुए बेल के फादर को अपना कैदी बना लेता है। लेकिन उनका घोड़ा अकेले ही भागता हुआ घर पहुंच जाता है और जब बेल अपने घोड़े को अकेला आते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर उसके फादर किसी मुसीबत में है। वो अपने घोड़े पर सवार होती है और घोड़ा उसी राजमहल में ले जाता है। वो राजमहल के अंदर जाती है और जोर जोर से अपने पिता को आवाज देने लगती है, मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। हालांकि उसे कुछ लोगों की आवाजें जरूर सुनाई दे रही हैं। चलते चलते बेल उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसके फादर को कैदी बनाकर रखा गया होता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि ये सारा का सारा महल जिंदा है, बातें कर सकता है, और अपनी बेटी को वहां से भाग जाने को कहते हैं। वो बहुत सारी बातें बताते हैं उन्हें यहाँ पर कैद क्यों किया गया है। इससे पहले कि बेल वहां से जाती, बीस्ट वहां पहुंच जाता है। बीस्ट के खतरनाक चेहरे को देखकर बेल डर जाती है। बेल कहती है कि वो अपने फादर से मिलना चाहती है, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो उससे कहती है कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी है क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी है। उन्होंने बस एक फूल तोड़ा था और वो भी उसके कहने पर, इसलिए वो उनसे हर हाल में मिलकर रहेगी। तब बीस्ट उसे बताता है कि उसका फादर जिस दरवाजे के अंदर है, वो दरवाजा अगर एक बार खुलने के बाद बंद हो गया तो दोबारा नहीं खुलेगा। इतना कहकर वो दरवाजा खोल देता है और बेल तुरंत अंदर आती है, अपने फादर से मिलती है, अपने फादर को दरवाजे से बाहर धक्का दे देती है और खुद को दरवाजे के अंदर बंद कर लेती है। अब चूंकि वो दरवाजा दोबारा नहीं खुलता, इसलिए बीस्ट उसके फादर को रिहा कर देता है, मगर बेल कैदी बन जाती है।
जब बीस्ट वहां से चला जाता है तब बेल के पास एक घड़ी और एक कैंडल स्टैंड बातें करते हुए आते हैं और वो दरवाजा खोलकर बेल को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। वो दोनों बेल को एक नया रूम देने की बात कहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बेल ही वो लड़की है जो उन सभी को उस जादूगरनी के अभिशाप से मुक्त करा सकती है। जब बीस्ट को इस बात का पता चलता है तो बेहद गुस्से में आ जाता है, घड़ी और कैंडल स्टैंड को खरी खोटी सुनाता है। लेकिन तब वो दोनों उसे बताते हैं कि हो सकता है ये लड़की हमें इस कर्ज से मुक्ति दिला दे। वो लोग बीस्ट को सलाह देते हैं कि वो जाकर बेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करे, उसे अपने साथ खाने पर भी इनवाइट करे। तब बीस्ट उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो उस किंगडम का प्रिंस है, वो किसी चोर की बेटी से डिनर की रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन बाकी लोगों के इंसिस्ट करने पर वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। वो बेल के कमरे के बाहर जाकर उसको खाने पर बुलाता है मगर उसे कहता है कि उसे किसी तरह की रिक्वेस्ट न समझे। तब बेल कहती है क्या वो पागल हो गया है। पहले वो उसके फादर को बंदी बनाता है, फिर उसे एक कमरे में कैद कर देता है और अब खाना खाने के लिए इनवाइट कर रहा है। वो उसके साथ खाना खाने से मना कर देती है लेकिन घमंडी बीस्ट अपनी बात पर अड़ा रहता है और हर हाल में उसे अपने साथ खाने पर बुलाने की बात कहता है। मगर बेल कहती है भले ही वो भूखी मर जाएगी लेकिन उसके साथ खाना नहीं खाएगी। तब बीस्ट बोलता है कि ठीक है, अगर वो भूखा मरना चाहती है तो अब कोई भी उससे खाना नहीं पूछेगा। मगर जिस तरह से इन दोनों की नोकझोंक हो रही थी वो देखकर कैंडल स्टैंड और घड़ी ये बात समझ जाते हैं कि पक्का यही वो लड़की है जो उन सबको उस शाप से मुक्त कर सकती है। उसके बाद बीस्ट उस फूल को देखता है जो बुढ़िया ने उसे दिया था। उसकी झड़ती हुई पंखुड़ियों को देखकर परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ बेल का फादर अपने गांव पहुंचकर वहां मौजूद लोगों को बताता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है क्योंकि जंगल के पास एक राजमहल है जहां पर एक बीस्ट रहता है जिसने उसकी बेटी को कैद कर लिया है। लेकिन उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और सब लोग एक कहानी समझकर उस पर हंसते हैं। तभी गैस्टन जो कि बेल से शादी करना चाहता था वो उसके फादर से कहता है कि वो उसकी बात पर यकीन करता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। फिर गैस्टन और बेल का फादर जंगल की तरफ जाते हैं मगर जंगल में पहुंचने के बाद बेल का फादर पैलेस का रास्ता भूल जाता है। इस बात से गैस्टन उस पर गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर दोनों में काफी बहस होती है जिसमें गैस्टन बेल के फादर से कहता है कि वो बेल से प्यार करता है और हर हाल में शादी भी उसी से करेगा। जवाब में बेल का फादर कहता है कि उसकी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश बनकर ही रह जाएगी, वो उससे कभी शादी नहीं कर पाएगा। काफी बहस होने के बाद गैस्टन बेल के फादर को रस्सी से एक पेड़ पर बांध कर मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। मगर तभी अगाथा नाम की एक लड़की जिसे कभी गाँव से बेदखल कर दिया गया था वो आती है और बेल के फादर को वहां से छुड़ा कर उनकी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ बेल राजमहल के अंदर उस फूल के पास जाती है जो जादूगरनी ने बीस्ट को दिया था। जैसे ही वो फूल को टच करने वाली होती है बीस्ट वहां पहुंच जाता है और उसे डांट कर रोक देता है और फिर गुस्से में आकर उसे वहां से भाग जाने को कहता है। बेल तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर वहां से रवाना हो जाती है मगर रात के अंधेरे में पहुंचते ही भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भेड़िए जैसे ही बेल पर आक्रमण करने वाले होते हैं तभी वहां पर बीस्ट पहुंच जाता है। वो उन भेड़ियों का डटकर मुकाबला करता है मगर इस मुठभेड़ में बीस्ट खुद भी जख्मी हो जाता है और उसके बाद जब बेल अपने घोड़े पर बैठकर वापस जाने वाली होती है तभी बीस्ट जमीन पर गिर जाता है। बेल अपने घर जाने के बजाय बीस्ट के पास आती है और उसकी मदद करते हुए उसे घोड़े पर बिठाकर वापस राजमहल तक लाती है। वहां की सारी चीजें बेल को बताती हैं कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी झड़ने के बाद वो सब लोग वैसे ही रह जाएंगे और कभी भी इंसानी शक्लों में नहीं आ पाएंगे मगर वो लोग पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं। बेल बीस्ट की मरहम पट्टी करती है और आगे वो कुर्सी पर बैठी कविता पढ़ रही होती है जिसकी आखिरी लाइनें वहीं पास में लेटा हुआ बीस्ट कंप्लीट कर देता है। बीस्ट के मुंह से कविता सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसको भी कविताएं पढ़ने का शौक है। तब बीस्ट कहता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे लव स्टोरीज या रोमांटिक कविताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तब बेल बताती है कि उसे रोमांटिक कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसे खुद भी प्यार मोहब्बत में बहुत दिलचस्पी है। उसके बाद बीस्ट उसको अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है जिसे देखकर बेल आश्चर्य में पड़ जाती है। वो ये सोचकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि उसे यहाँ पर बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा। तब बीस्ट उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ रुक सकती है और जितना जी चाहे किताबें पढ़ सकती है। बेल वहीं रुक जाती है और धीरे धीरे बीस्ट से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ बैठकर शामें देखा करते हैं, रात का खाना भी साथ में खाते हैं और दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद भी पता चल जाती है। फिर एक दिन बीस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाता है। वो कहता है कि वो किताब उसे किसी जादूगरनी ने तोहफे में दी थी। उस किताब की खास बात ये है कि ये इसके जरिए पास्ट और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। बेल उस किताब के जरिए अपनी माँ के वक्त में जाना चाहती है। वो अपने माँ के पास जाती है और देखती है उसकी माँ बेहद बीमार है, एक बिस्तर पर लेटी हुई है। दरअसल उसकी माँ को एक इन्फेक्शन हो गया है।
उसकी माँ उसके फादर से कहती है कि उसकी बेटी को लेकर कहीं दूर चले जाएं ताकि ये इन्फेक्शन उसकी बेटी तक ना पहुंच सके और वो एक सुरक्षित जीवन जी सके। ये सब जानकर बेल को काफी दुख होता है। उसके बाद अगली रात जब बीस्ट अपने कमरे में बैठा होता है तब कैंडल स्टैंड और बाकी चीजें उसे बेल को प्रपोज करने की बात कहते हैं, लेकिन बीस्ट कहता है वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मगर कैंडल स्टैंड बीस्ट को कन्विंस कर लेते हैं और फिर वो लोग पहले से बीस्ट को तैयार करते हैं और उसके बाद बेल को भी तैयार कर लेते हैं। दोनों की मुलाकात होती है। अब चूंकि बेल को डांस करना भी पसंद होता है इसलिए बीस्ट उसके साथ डांस भी करता है। इधर बेल के फादर वापस अपने गांव आते हैं और गांव वालों से बताते हैं कि गैस्टन उनको जंगल में बांध कर आया था ताकि भेड़िए उसे मारकर खा जाएं। लेकिन गैस्टर सरासर झूठ बोलकर सच्चाई से मुकर जाता है और कहता है कि यह बुढ़ा पागल हो गया है, इस पर कोई शैतान सवार हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और वहां पास खड़ी अगाथा की गवाही पर यकीन ना करने को कहता है क्योंकि अगाथा पहले ही गांव से बेदखल की जा चुकी है। और गांव वाले गैस्टन की बात मान लेते हैं और बेल के फादर को पागल करार देते हैं। दूसरी तरफ राजमहल में बेल बीस्ट के साथ डांस कर रही होती है। वो दोनों बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। तभी बेल कहे कि उसने डांस करना अपने फादर से सीखा है। तब बीस्ट पूछता है कि क्या वो अपने फादर को मिस करती है, जिस पर बेल हाँ में जवाब देती है। तब अपने जादुई मिरर में बीस्ट उसके फादर को दिखाता है तो वो लोग देखते हैं कि गांव वालों ने उन्हें बांध रखा है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बीस्ट कहता है कि बेल के फादर को इस वक्त बेल की जरूरत है और उसे उनके पास होना चाहिए था। उसको वहां भेजने के दौरान वो उसको वो जादुई शीशा भी दे देता है और कहता है जब कभी भी उसको इस बीस्ट की याद आए तो उसकी बदसूरत शक्ल वो इस शीशे में देख सकती है। बेल वहां से तेजी से बाहर निकल जाती है। बेल के चले जाने के बाद महल काफी सूना हो जाता है। बीस्ट बेल को बहुत याद करता है और अकेला महसूस करता है। उसके साथी भी काफी मायूस हो जाते हैं। इधर बेल अपने गांव पहुंचकर देखती है कि उसके फादर को लोगों ने बंदी बना रखा है। बेल उन लोगों से कहती है कि उसके फादर झूठे नहीं है, जंगल में सचमुच एक पुराना पैलेस है जिसमें एक बीस्ट रहता है, मगर वो बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी वो मैजिकल मिरर निकालती है और सबको उस बीस्ट की शक्ल दिखाती है। गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं। तभी वो कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है। अब गैस्टन बेल के द्वारा बीस्ट की तारीफ सुनकर बहुत जलन महसूस करता है। वो कहता है कि शायद उस बीस्ट ने इस पर काला जादू कर दिया है, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रही है, और उसके फादर के साथ उसको भी कैद करने के लिए कहता है। वो गांव वालों को उकसाता है कि वो जाएं और बीस्ट को जान से मार दें। वो कहता है कि अगर उन्होंने बीस्ट को नहीं मारा तो एक दिन वो बीस्ट इस गांव में सबको मार डालेगा। गांव वाले उसकी बात मानकर उस महल की तरफ बढ़ते हैं और गांव वाले जैसे ही उस महल में दाखिल होते हैं वहां की सभी चीजें उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन पर अटैक करने वाली चीजें बेजान हैं, कोई जीता जागता इंसान नहीं है। इसी बीच गैस्टन बीस्ट के पास पहुंच जाता है। बीस्ट जो कि बहुत उदास बैठा होता है क्योंकि वो बेल को बहुत मिस कर रहा है। उसके जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब गैस्टन उससे कहता है कि अगर उसे लगता है कि बेल उसे प्यार करती है तो ये गलत है क्योंकि उसी ने गांव वालों को यहाँ पर उसे मारने के लिए भेजा है। ये कहकर वो उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही बीस्ट नीचे गिरता है मगर छत की छोटी सी दीवार पकड़कर लटक जाता है। उसके बाद गैस्टन दूसरी गोली मारने वाला होता है। तभी बेल वहां पहुंच जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वो बीस्ट को बताती है कि उसने गांव वालों को रोकने की लाख कोशिश की मगर वो नहीं माने। बेल की बातें सुनकर बीस्ट की हिम्मत दोबारा जाग उठती है और वो गैस्टन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो गैस्टन को पकड़कर हवा में उठा देता है। गैस्टन उससे माफी मांगता है मगर बीस्ट उसको ऊंचाई से फेंकने ही वाला होता है, लेकिन गेस्ट के काफी गिर जाने पर उसको तरस आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद बीस्ट बेल के पास आता है मगर तभी गैस्टन धोखे से उसकी पीठ पर गोली मार देता है। बीस्ट जख्मी हो जाता है मगर ठीक उसी वक्त जहां पर गैस्टन खड़ा होता है वो दीवार टूट जाती है। वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। बीस्ट जख्मी हालत में वहां गिर जाता है और बेल जाकर उसका सिर अपनी गोद में रखती है और कहती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन बीस्ट कहता है कि अब तो उसके जाने का वक्त हो गया है। इसी दौरान फूल की वो आखिरी पंखुड़ी भी टूटकर गिर जाती है। इसके साथ ही बीस्ट अपनी आखिरी सांस लेता है। महल की सारी चीजें बेजान हो जाती हैं। वो बीस्ट के मरने पर बहुत दुखी होती है और रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। अगाथा ये सब कुछ देख रही होती है। दरअसल अगाथा कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी है जो बुढ़िया का रूप धारण करके प्रिंस के पास आई थी। ये सब देखकर अगाथा भावुक हो जाती है और फूल को फिर से ताजा कर देती है। उसके बाद बीस्ट एक खूबसूरत नौजवान के रूप में आता है और साथ ही महल की सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं। बेल प्रिंस को पाकर बहुत खुश हो जाती है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पैलेस के बीचों बीच प्रिंस और बेल एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।